Banshee. मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आई हैव बीन शॉट। चलिए दोस्तों, आज फिर एक बार चलते हैं बॉलीवुड के सफर पे, जहां देखने मिलती रहती हैं कुछ अटपटी और कुछ हसीन बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों आई खबरों के मुताबिक रिलायंस एंटरटेनमेंट के CEO सुभाषी सरकार ने मुंबई मिरर से बात करते हुए बताया था, सूर्यवंशी की रिलीज डेट को लेकर साल 2021 के पहले क्वार्टर में रिलीज करने की प्लानिंग की है। वहीं अब ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो मई का सूर्यवंशी को रिपब्लिक डे के वीकेंड पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। खैर, ये बातें तो बिल्कुल तय हैं कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी इस साल सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी। हालांकि 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी निर्माताओं ने इसे अगले साल रिलीज करने का मन बनाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शेट्टी और टीम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। मिड डे से जुड़े सूत्र के मुताबिक निर्माताओं को लगता है कि फिल्म को रिलीज करने के लिए यह एक आइडियल टाइम होगा। अगर ऐसा होता है तो फिल्म साल 2021 में ही रिलीज होने वाली कैटरीना कैफ की पहली बड़ी रिलीज होगी। टीम फिल्म लॉजिस्टिक के काम कर रही है और इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। अक्षय और कैटरीना के अलावा फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी कैमियो करते नजर आएंगे। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, ये आप हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पलक गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए तड़के को डालते हुए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हंसते रहे, यूं ही हमारे साथ बने रहे। फिर कल मिलते हैं जल्दी यहीं पे।